हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए आज हम कुछ मज़ेदार फैक्ट के बारे में बातें करते हैं और ये फैक्ट होगा साइकोलॉजिकल रिलेटेड। तो साइकोलॉजी आपके बारे में क्या कहती है? साइकोलॉजी, पहले तो मैं बता दूँ, साइकोलॉजी की एक व्यवहारिक वैज्ञानिक तत्व है जो मानव व्यवहार को और मानव जो व्यवहार है उस पर रिसर्च करके हमें बताती है कि आप साइकोलॉजी के अनुसार ये फैक्ट क्या है। तो चलिए मज़ेदार फैक्ट का आनंद लेते हैं और मुझे आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सोने के रिलेटेड में। जो व्यक्ति यदि अधिक सोते हैं और दिन में भी सोते रहते हैं और रात को भी सोते हैं और लेट से उठते हैं, नहीं को उनके लिए मैं एक बात बता दूँ साइकोलॉजी उनके बारे में क्या कहती है। चलिए देखिए, आप अधिकतर सुने होंगे जो व्यक्ति ज़्यादा अधिक सोता है, ठीक है, तो साइकोलॉजी उसे उसके अनुसार व्यवहारिक साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार ये कहता है कि जो व्यक्ति अधिक सोता है वो ज़्यादा उदास होता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ सही है। साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो व्यक्ति अधिक सोता है उनका उदास होना लाजमी है, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो देखिए ज़्यादा ना आराम चाहिए उनको और ज़्यादा, आपको पता होगा कि दिमाग हमारा कभी नहीं सोता है, लेकिन बॉडी जो होता है हम लोग का, बॉडी जो जितना भी वर्क करता है, मेहनत करता है, उससे दिमाग फ्रेश होता है, ठीक है, और जो जितना ज़्यादा रोता है उनको थोड़ा सा सैडनेस फील होता है। तो सैडनेस फील होने के कारण जो वो उठ के जब नींद से उठते हैं ना, तो उस वक्त जो फीलिंग्स उनकी है वो नॉर्मल फीलिंग से लो होती है। तो इस वजह से साइकोलॉजी व्यवहारिक रिसर्च में ये पता चला है कि जो व्यक्ति अधिक सोता है उनका उदास होना लाजमी है। वो व्यक्ति उदास टाइप का रहे, चाहे उनके पास सब कुछ हो, कोई झगड़ा, कोई कुछ ऐसा कोई बात ही ना हो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में हो, लेकिन अधिक सोने के कारण उनका जो दिमाग होगा वो एक्चुअली पे उदास होगा। तो चलिए साइकोलॉजिकल फैक्ट वन, अब चलिए फैक्ट नंबर टू की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर टू, देखिए आपको तो पता होगा कि जो व्यक्ति अधिक काम या कोई भी वर्क पे रिलेटेड कोई भी बिजी होता है, तो साइकोलॉजी उनके बारे में क्या कहते हैं। जो अब ये फैक्ट है उन लोगों के लिए जो काम जॉब करते हैं और दिन में बिजी रहते हैं, और सिर्फ जॉब ही नहीं, स्कूल रिलेटेड, कॉलेज पढ़ाई, ट्यूशन, जो भी हो जिस रिलेटेड से, आप घर के काम ही क्यों ना करो, आप अगर बिजी हो तो उनके लिए ये फैक्ट, ध्यान से सुनिएगा फैक्ट नंबर टू। तो जो व्यक्ति ज़्यादा अधिक बिजी होता है, देखिए जो व्यक्ति काम में बिजी हो, या देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि कॉल पे बिजी, ठीक है, ये कॉल पे बिजी वाली बात नहीं है, ये वर्क पे बिजी मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जो व्यक्ति अपने कामों पे अधिक बिजी होते हैं उनका टेंशन और उनका हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है। लोग व्यस्त रहने पे अधिक खुश होते हैं, क्यों, ये वैज्ञानिक तर्क से ये प्रूफ किया गया है कि जो व्यक्ति अधिक बिजी होते हैं अपने काम पे वो अधिक खुश रहते हैं। अब ये अगर हम मान लें कि क्यों और कैसे, तो देखिए इसका एक फैक्ट ये भी है कि मान लीजिए कि दिन में आप काम करते हो, ठीक है, दिन में आप दिन भर काम करते हो, काम के दौरान आपको ये प्रेशर होती है कि आप अपने काम को कैसे क्लियर करो, कैसे हैंडल करो, तो मेरा क्या होता है मेंटली जो टोटल का टोटल कॉन्स्टेंट होता है ये हमारा वर्क पे होता है। अब वर्क पे होने के कारण क्या होता है कि हम अधिकतर अपना नकारात्मक जो नेगेटिव थिंकिंग है उनको हम सोच नहीं पाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग मतलब बहुत सारी होती है, टेंशन्स, जो घर का टेंशन हो या फिर इकोनॉमिक टेंशन हो या फिर झगड़ा किसी से या फ्रेंडशिप टेंशन, कोई भी तरह का टेंशन हो, वो उस चीज़ से हम दूर रहते हैं। जहाँ हम अपने वर्क पे चले जाते हैं, या तो कॉलेज, स्कूल, या आप किसी भी तरीके का वर्क, ये नहीं ज़रूरी नहीं ऑफिस वर्क, कोई भी वर्क अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं तो ये नेगेटिविटी थिंकिंग जो होता है वो आप उनसे दूर रहते हो। तो इनसे ये होता है कि हमारा दिमाग ज़्यादा खुश होता है, और ये हमारा दिमाग अगर खुश होगा तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि अपने कामों में बिजी रहे, फालतू ना घूमें, फालतू घूमने से नुकसान आपका ही होगा। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा? चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर थ्री की ओर। चलिए
फैक्ट नंबर थ्री में आपके फैक्ट नंबर थ्री में ये है कि आपको पता होगा कि इंसान जब भी उदास होता है तो उनको अगर अधिक उदास हो रहा या किसी का कोई टेंशन हो या झगड़ा हो या कोई फैमिली टेंशन, तो इंसान अक्सर जो मतलब सॉफ्ट हार्ट के होते हैं, जो नाजुक दिल कह सकते हैं उनको, सॉफ्ट हार्ट के होते हैं वो रो देते हैं। तो रोने को लेकर साइकोलॉजी फैक्ट में क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होगा दोस्तों कि देखिए दिन के मुकाबले फैक्ट, साइकोलॉजी फैक्ट ये कहती है दिन के मुकाबले रात को इंसान, कोई भी इंसान रोना आसानी से रो सकते हैं। क्यों? अब ये कहेंगे कि ये साइकोलॉजी फैक्ट क्या रोने के लिए, मतलब ये देखिए रोना एक सिर्फ फैक्ट है, जो हम कभी उदास हो, अकेलापन या कोई ज़्यादा टेंशन हो या हमें किसी से हार मिला हो या मैं हार चुका हूँ या एग्ज़ाम में फेल, किसी भी रिलेटेड में रोना एक ऐसा फैक्ट है जो हम किसी भी सैडनेस को अपना बयान करते हैं, मतलब अधिक सैडनेस, अकेलापन, कोई भी इतना ज़्यादा दर्द हो, जो फीलिंग्स होती है दर्द, वो फीलिंग्स को हम रोने के रूप में ही निकालते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति जब रोता है तो वो साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार रात को अधिक रो सकता है, मतलब अधिक अच्छे से रोता है। ये क्यों आप पूछोगे, रात को क्यों, दिन को भी तो रो सकते हैं। जी हाँ, दिन को रो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, कभी कभार जो कोई भी ऐसा टेंशन हो जो आप दूसरे को बयान नहीं कर सकते, पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो टेंशन हो, तो ऑटोमेटिकली आपको, इंसान है तो ऑटोमेटिकली आंसू आ ही जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिन को जो हम एक्टिविटीज़ रहता है, दिन को हमारी एक्टिविटीज़ कोई भी डिस्टर्ब करे या शोर वगैरह बहुत कुछ होती है, दिन को हम व्यस्त होते हैं, हर चीज़ में व्यस्त, कब कहाँ जाना पड़ जाए, क्या काम पड़ जाए, वो चीज़ हमें दिन को देखना पड़ता है। पर नाइट होती है ओनली फॉर आराम के लिए, तो आराम के लिए होती है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जब दिमाग हमारा ये मान ले कि हम शांत हैं, मतलब हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई अभी कोई आने वाला है नहीं, तो इस टाइम जो होता है हमारा दिमाग अपने गहराई, अपने दिमाग की गहराई में जो भी दर्द आपका चल रहा हो उस टाइम करंट, उस टाइम हम उसको ज़्यादा अधिक याद कर पाते हैं, अच्छे से उस चीज़ को याद कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान जो रोता है तो ये टेंशन नहीं होता दिमाग को कि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला है इस टाइम। इसलिए फ्रेंड्स, दिन के साइकोलॉजी फैक्ट ये भी कहती है कि दिन के मुकाबले रात को इंसान कोई भी दर्द में आसानी से रो सकते हैं। चलिए फैक्ट नंबर फोर पे चलते हैं। फैक्ट नंबर फोर में है अपना माइंड रिलेटेड है। जैसे कि हम दिमाग की तुलना में इंसान मानव शरीर जो भी वर्क करता है वो हमारा मस्तिष्क दिमाग से ही वर्क करता है। ये विश्व में, ये आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे दिमाग से ही सोचते हैं, और ये एक्टिविटी जो भी व्यवहारिक है कोई भी, वो दिमाग से ही होता है। तो चलिए दिमाग को लेकर एक फैक्ट बताता हूँ आपको। देखिए, मानो दिमाग जो होता है वो आप सोच सकते हैं कि हम लापरवाह हैं। कभी कभार कहते हैं लोग कि मुझे ये करना नहीं है, मतलब लापरवाही में कोई कोई काम छूट जाता है। तो साइकोलॉजी ये भी फैक्ट है, ये भी कहते हैं कि हम अपने दिमाग को कभी भी 100% लापरवाह नहीं छोड़ सकते। मतलब हम ऐसे पड़े रहें, सोए रहें और हम कोई भी एक्टिविटी ना करें, कोई भी एक्टिविटी नहीं, हम बिंदास लेटे हुए सोते हुए रहें, लेकिन जब हम सोते हैं तब भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम फुल अपना माइंड को फ्री छोड़ देते हैं। हमको याद नहीं होता कि हम हाथ हिला रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, बस हमको करवट लेते हैं, उस टाइम थोड़ा सा ध्यान होता है, उसके बाद हमें कुछ ही पता नहीं होता। तो साइकोलॉजी फैक्ट ये भी कहती है कि हम कभी भी अपने दिमाग को 100% लापरवाह नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा एक्टिविटी करती रहती है। हम अगर सोते हैं तो उस टाइम भी आप देखते हैं कि सोते टाइम भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती है। अगर हम एक्टिविटीज़ को अगर देखा जाए तो हम ऑटोमेटिक, जैसे मानव शरीर में ऑटोमेटिक्स भी पार्ट है, जैसे हमारे, आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब बाइक या किसी चीज़ पे चलता है,
तो अगर अचानक कोई भी चीज़ उसके सामने आ जाए, फेस के सामने या आँख के सामने आ जाए, तो आप देखने से पहले आँखें आपकी बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये सेंसर एक्टिविटी होती है और हमारी आँखें जो ये आँखें हैं, ये इनका जो परत है वो एक्टिव रहती है हमेशा। आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप चाहते हो तो इसको आप बंद या खोल सकते हो, ये एक्टिविटी आपके अंदर है। लेकिन आप अगर चाहोगे कि कोई भी चीज़ आए तो हम इसमें बंद करें खुद से, तो ये आपके बस में नहीं होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर आपकी और आए फेस की ओर, अगर आँख से टकराना, मतलब टकराव होने वाला हो, तो आपकी आँखें देखे या ना देखे, आपकी आँखें पलके ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती है, वो आपको बचा लेती है। ये एक्टिविटी 100% ट्रू है और ये आपको भी पता होगा। तो साइकोलॉजी व्यवहार में, साइकोलॉजी फैक्ट में ये 4 पे था। चलिए हम फैक्ट नंबर क्या, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5। तो चलिए आपको फैक्ट नंबर 5 में ये जानकर अच्छा लगेगा कि हेल्थ रिलेटेड भी साइकोलॉजी में काफ़ी बातें। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमें घूमना फिरना सबको पसंद है, किसी नहीं पसंद है, वो आप समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता होगा कि हम घूमने ना जाएं। लेकिन घूमने जाने का रिलेटेड में, अगर घूमना चाहता है, घूमना पसंद, ऐसे व्यक्ति जिनको घूमना पसंद हो, घूमना फिरना या कोई चीज़ में नई नई जगहों पर जाना उनको पसंद हो, तो इनको इनके रिलेटेड पर साइकोलॉजी क्या। तो फैक्ट नंबर 5 में, साइकोलॉजिकल फैक्ट में ये है कि जो व्यक्ति अधिक सफ़र करता है, यानी अधिक घूमता है, यानी अधिक ट्रैवल करता है या नए नए जगहों पे जाता है, तो उनका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका हैबिट है, जिनको अच्छा लगता है घूमना फिरना, उनका माइंड जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, और ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक बहुत ही कम चांस होता है आना, हार्ट अटैक आना बहुत कम चांस होता है। अब हम ये नहीं कहेंगे, उन लोगों को नहीं कहेंगे जो घूमने फिरने जाते हैं या कोई काम से रिलेटेड जाते हैं और होटल्स में अनहेल्दी फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि अनहेल्दी फूड्स में, ऑयली फूड्स में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो होता है वो अधिक होता है बॉडी में, जो बनता है फैट, उसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। ये तो आप इसके बारे में तो डॉक्टर्स अच्छे से बता पाएंगे, पर साइकोलॉजी जो कहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से, साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार, जो व्यक्ति अधिक सफर करता है उनका माइंड सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है, और जिनका माइंड हैप्पी होता है उनका हार्ट भी हैप्पी होता है, उनका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जिसके कारण उनका बहुत कम चांस होता है कि उनको हार्ट अटैक आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको घूमना फिरना पसंद हो तो ये ध्यान रखना है कि घूमना फिरना अच्छी बात है, पर घूमने फिरने के लिए कोई भी ऐसा जगह पर आप ना जाओ जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो। तो ऐसे जैसे कि मैं बता दूँ कि जंगल वगैरह जो भी होता है या माउंटेन वगैरह जो भी होता है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ बिना एक्सपर्ट के आप वहाँ पे ना ही जाएं, वहाँ पे कोई भी हेल्प मिलना मुश्किल होता है। तो हाँ, आपको शौक है तो वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे गाइड होता है, कोई भी वहाँ का, जहाँ जो एरिया जाना चाहें वहाँ का गाइड अवेलेबल होता है, आप उनको हैंक कर सकते हैं, उसके बाद आप उनका वहाँ उस जगह का मज़ा आनंद ले सकते हो। तो चलिए, ये रहा फैक्ट नंबर 5। तो चलिए हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की ओर। तो फैक्ट नंबर 6 में आपको साइकोलॉजी फैक्ट क्या है, चलिए हम जानते हैं। है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6 के अनुसार हम खाना खाने के व्यवहारिक गतिविधि को नोट करते हैं और गतिविधि के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए, ये फैक्ट नंबर 6 जो है वो क्या कहती है साइकोलॉजी खाना खाने के रिलेटेड में। जी हाँ, साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति असामान्य रूप से, यानी कि मतलब जैसे तैसे खाना खा रहा हो, जल्दी जल्दी खाना खा रहा हो, या किसी भी एक्टिविटीज़ को, जैसे खाना खाते टाइम कोई चीज़ सोच रहा हो या कोई चीज उठा रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन दिखा रहा हो, तो मतलब साइकोलॉजी ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति असामान्य रूप से अगर खाना खा रहा हो तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, और ऐसे व्यक्ति जो किसी टेंशन पे हो उनको खाना खाते टाइम कोई भी ध्यान नहीं होता, वो बस ये चाहते हैं कि वो काम जो उनका कोई प्रॉब्लम है, जो जिस भी काम से प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो उनका माइंड उधर लगा हुआ रहता है। तो साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति
एक्टिविटी करता है खाने के टाइम, मतलब खाना खाते टाइम कोई भी ऐसा एक्टिविटी करता है, या तो नेगेटिव एक्टिविटी या पॉजिटिव एक्टिविटी कुछ भी, जैसे चिंतित हो, मतलब लगे आपको खाना खाते टाइम देख के लगे कि ये व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको पता चलना चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम है। तो साइकोलॉजी ये भी कहती है फैक्ट नंबर 6 के अनुसार कि साइकोलॉजी कि यदि कोई काम करते टाइम या बात करते टाइम कुछ भी उसका माइंड कहीं और हो, मतलब आप कहीं कॉल पे बातें कर रहे हो और उनका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तो इनके अनुसार भी वो व्यक्ति चिंतित हो सकते हैं। तो आपको पता हो, अब अगर आपके घर में कोई खाना खाए तो ये ज़्यादा, अगर खाना खाए अच्छे से खाना खाए तो नॉर्मल है, फिर अगर खाना खाते टाइम कोई एक्टिविटी हो या मतलब चिड़चिड़ापन हो तो समझ जाइएगा उनको वो किसी बात का टेंशन है। तो चलिए फैक्ट नंबर 7 की ओर चलते हैं। नंबर 7 को लेकर, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आप दोस्तों में जब आप कहीं पे घूमने जाते हो या तो कोई अच्छे काम करने जाओ तो आपके दोस्तों हमेशा थम्स अप, ये इंडिकेशन आपने देखा होगा, या तो आप किसी भी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक में भी ये आपने देखा होगा। तो चलिए ये थम्स अप है क्या, चलिए इसका हम जानते हैं इसके बारे में साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार। और साइकोलॉजी फैक्ट, ये फैक्ट मैं स्पेशली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि थम्स अप का मीनिंग, ठीक है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि दोस्तों थम्स अप का मतलब पश्चिम देशों में अच्छा माना जाता है। आपको पता होगा कि थम्स अप का मतलब पश्चिम देशों में अच्छा माना जाता है, ठीक है, और इसका इटली में 1 माना जाता है, इसका मतलब होता है 1, ठीक है, इटली में इसे 1 मानते हैं, ठीक है, और जापान में इसे 5 मानते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी फैक्ट ये आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन क्या फ्रेंड्स आपको पता है कि ये थम्स अप हर जगहों पे इसका मीनिंग अच्छा ही हो? चलिए मैं आपको बताता हूँ थम्स अप का मतलब। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि ईरान ऐसा देश है कि थम्स अप का मतलब इसको अश्लीलता से जोड़कर माना जाता है। तो फ्रेंड्स कहीं भी ये थम्स अप देने से पहले आप ये चीज याद रखिएगा कि हर जगहों पे इसका मतलब अच्छा नहीं होता है। अगर इटली के कोई लोग आपके सामने खड़े हों या कहीं आप एयरपोर्ट में हो या कहीं जा रहे हो इटली के लोग हो, तो उनको प्लीज़ हैप्पी, मतलब हैप्पी जर्नी या कुछ के लिए इशारा में थम्स अप मत दीजिएगा, वरना आप पे ये चीज़ भारी पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ सही है कि हर जगहों पे एक जैसा व्यवहारिक गतिविधि नहीं चलती है, ये एक्टिविटी हम लोग अपने देश में देख सके। थम्स अप अक्सर सबको ही ये थम्स अप देता है अच्छे कामों के लिए कि ओके यार वेरी गुड, आप जाओ आपका काम बहुत अच्छा हो, या तो आपने कुछ अच्छा काम किया हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स संभल के ये थम्स अप देना, आप जिनको भी देना। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 8, ठीक है, फैक्ट नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8, तो फैक्ट नंबर 8 में कुछ स्पेशल है आपके बारे में, और चलिए स्पेशल का मतलब आप समझ सकते हैं, ये रिलेटेड है कपल्स के बारे में। कपल्स मतलब एक लड़की और एक लड़की का रिलेटेड में। तो चलिए कौन क्या सोचता है आपको मैं बताता हूँ। साइकोलॉजी व्यवहार और साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये पता चला है कि जो गर्ल्स होती है वो वॉइस में ये उम्मीद रखती है, मतलब जो गर्ल्स होती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड पे ये उम्मीद रखती है और उनको ये बात अच्छा लगता है और उनको ये इंतज़ार होता है। तो साइकोलॉजी के अनुसार चलिए मैं बताता हूँ वो क्या चाहते हैं। किसी भी अफेयर या रिश्ते में औरतें इस बात की उम्मीद अधिक करते हैं, किसी भी रिश्ते में लड़कियाँ इस बात की अधिक उम्मीद करते हैं कि उनके मुकाबले उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उनसे आई लव यू जो वर्ड है वो अधिक बार बोले। जी हाँ दोस्तों, उनको ये अच्छा लगता है और लड़कियों को अक्सर ये अच्छा लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड या उनका हस्बैंड उनसे आई लव यू वर्ड जो होता है वो उनसे अधिक बार बोले। तो किसी भी रिश्ते में अगर आप शादीशुदा हो तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो याद रखिएगा ये बात कि आप पे जो उम्मीद रख रहा हूँ वो उस पर आप खड़े उतरिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और ये जिनके भी रिश्ते में अगर सम्मान का भावना हो, कोई भी रिलेशन में अगर आप सम्मान करते हो अपने पार्टनर का,
चाहे लड़की हो या लड़का, जरूरी नहीं है कि लड़का ही सम्मान करे सिर्फ लड़की का, लड़की भी सम्मान करती है, मतलब उसको उसका बातें मानती है, उसका मतलब जो बात है उनको अच्छा लगता है और वो उनका रिस्पेक्ट करती है। तो ये चीज़ जो रिस्पेक्ट है दोनों के मन में, जो ये रिस्पेक्ट है वो इस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से खुशहाल रखने में मदद करती है। तो जिनका भी पार्टनर उनको रिस्पेक्ट करता हो, उनका सम्मान करता हो, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से, तो उनका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग चलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई फैक्ट नंबर 8। चलिए अब हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की ओर। फैक्ट नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा यदि आप मैं एक सॉन्ग के रिलेटेड भी बात करता हूँ, कोई भी सॉन्ग मैं मतलब आपको इंडिकेट नहीं करूँगा कोई भी सॉन्ग से, लेकिन हर व्यक्ति को आपको पता होगा कि किसी ना किसी सॉन्ग को अच्छा लगता है, कोई ना कोई गाना उनको अच्छा लगता है। तो क्या हम अपना फेवरेट सॉन्ग को कभी हेट कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए साइकोलॉजिकल फैक्ट में आज हम 9 नंबर पे यही बताने वाले हैं, क्या हम अपना फेवरेट सॉन्ग को हम हेट भी कर सकते हैं? जी हाँ, ये हो सकता है। कैसे, ये जानते हैं। तो साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है, साइकोलॉजी रिसर्च में ये चीज़ प्रूफ हो चुका है कि यदि हम अपना फेवरेट सॉन्ग को, जो मेरा फेवरेट है, हम 10 बार सुन ले दिन में तो हमको बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। तो साइकोलॉजी रिसर्च में इनको एक अच्छे तरीके से हेट करने पे मजबूर, मतलब हेट कैसे किया जाए वो चीज़ साबित हो चुका है। तो जानते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए हम बात करते हैं कि हम अपना फेवरेट सॉन्ग को कैसे हिट करें। तो जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी गाना जो मेरा फेवरेट हो उनको हम अलार्म के रूप में अगर सेट कर दें, बिल्कुल अपने फेवरेट गाना को अगर हम अलार्म के रूप में सेट कर दें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का टाइम लगेगा, मतलब 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और आप अपने फेवरेट गाने को ही हेट करने लगोगे, मतलब आप उस गाने से नफरत करने लगोगे। तो फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजी रिसर्च में साबित हो चुका है और ये चीज़ रियल है कि आपको अगर अपना गाना को हेट करवाना, या किसी को अगर उसका गाना अच्छा लग रहा हो, आपको उनको अच्छा लगता हो पर आपको अच्छा नहीं लगता हो, तो आपको एक काम करना, छोटी सी ट्रिक करना, ज़्यादा कुछ नहीं, उनके मोबाइल पर उनका जो सॉन्ग्स है फेवरेट सॉन्ग्स उनको अलार्म के रूप में सेट कर दो और टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग, मतलब जल्दी सुबह जितना जल्दी हो सके उनका टाइमिंग सेट कर दो। फिर आपको पता चल जाए कि आपको अब 1 हफ्ता भी नहीं होगा कि उन उसको जो गाना उसको अच्छा लगता था वो गाना से उनको नफरत होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ साइकोलॉजिकल रिसर्च में साबित हो चुका है। तो चलिए फैक्ट नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 10 की ओर। चलिए फैक्ट नंबर 10 में हमारा क्या है वो हम जानते हैं। तो फैक्ट नंबर 10 को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका मोबाइल का जो वेट है वो बढ़ नहीं जाएगा, ना आपका मेमोरी यूज़ होगा, इतना तो पता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि सब्सक्राइब करें पर करना नहीं चाहते या मन नहीं करता, प्लीज़ फ्रेंड, आपका एक सपोर्ट हमें बहुत हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके का वीडियो अगर हम बनाते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है यार। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फैक्ट नंबर 10 की ओर। तो फैक्ट नंबर 10 में साइकोलॉजी झूठे लोगों के बारे में बहुत अच्छा तर्क देती है। तो चलिए हम झूठे लोगों के बारे में एक बात जानते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो लोग झूठ अच्छे से बोलना जानते हैं, जी हाँ, जैसे झूठे लोग, धोखेबाज लोग, इनके बारे में बातें करते हैं, तो लोग झूठ तो बहुत आसानी से बोल लेते हैं, तो क्या आप झूठ पहचान भी सकते हैं? तो साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, चलिए जानते हैं। जो लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं, वो लोग झूठ पकड़ने में भी माहिर होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ उनका हैबिट होता है। जी हाँ, उनको जो व्यक्ति झूठ बोल, हर चीज़ में झूठ बोले, उनके सामने झूठ बोलने से बचना चाहिए कि आप अगर उनको पता है, आपको पता है ये चीज़ कि वो झूठ बोलता है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो झूठ
पकड़ भी सकता है। अक्सर उनकी बातें झूठी ही साबित होती है बाद में, तो उनके सामने कुछ भी अपना कोई भी मतलब बहाना करने से पहले 10 बार सोच लेना कि वो आदमी इंसान आपको झूठ बोलना तो सही, वो पकड़ना भी जानता है, तो उसके सामने आपका झूठ नहीं चलने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो रहा फैक्ट नंबर 10, और चलिए हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर हम प्लीज़ फिर से मैं बोलता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना, आगे की वीडियो भी मैं अच्छा फैक्ट इसी तरीके का फैक्ट बनाता रहूं। अगर आपको अच्छा ना लगा तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझे कुछ चेंजिंग करना है इस पर या कोई तरीके का कुछ मुझे सजेशन देना चाहो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।